बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आज सफ़र करेंदा पियां ज़िला डेरा गाजी खान दे एक मेगा प्रोजेक्ट दे उत्ते, जैकू बनावण 4 साल दा अरसा लगे। मैडी मुराद बरे आज़म एशिया दा दूजा वड्डा स्टील पुल ते पाकिस्तान दा पहला वड्डा स्टील पुल फोर्ट मंडरू गिरदो दे मकाम दे उत्ते वाक़े है। इंदा फासला ज़िला डेरा गाजी खान कने 85 किलोमीटर जबकि मुल्तान कने 185 किलोमीटर है। जापान ते पाकिस्तान दे माहिर इंजीनियरें दी ज़ेर निगरानी बनाने वाला ए स्टील पुल टोटल 8 पुलें दे उत्ते मुश्तमिल है। ए पुलां बहु ही खतरनाक मोड़ें दी जा दे उत्ते तामीर कीता गया। हर पुल की ऊंचाई तकरीबन 150 फुट है। गिरदो मोड़ दे इन्हें पुलें का टोटल फासला 1.5 किलोमीटर जबकि ए मुकम्मल सड़क जेरी के जापान दे इंजीनियर ने बनाई है, उनका फासला तकरीबन 32 किलोमीटर है। स्टील पुल दे ही प्रोजेक्ट दे उत्ते 13.75 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च की गई है। ये प्रोजेक्ट का आगाज 2016 दे विच कीता गया हा। इंदे बनन दा फायदा पाकिस्तान दे नाल नाल चाइना को भी बहुत ज़्यादा पहुँची, क्योंकि सी पैक जरा के चाइना दा प्रोजेक्ट है, उन्हें दी वजह कने ही इस ए स्टील पुल तामीर किए गए ताकि पाकिस्तान ते चाइना दी दरामदाद को वधाया बन सके। स्टील पुल बनन कने पहले ट्रैफिक को ते स्याहें को काफ़ी मुश्किलात दा सामना करना पौंदा हा, क्योंकि इत्थां बहु ही ज़्यादा खतरनाक किस्म जा मोड़ा हन जैं दी वजह कने वड्डी ट्रैफिक खासकर ट्रक या ट्राला वगैरह को क्रॉस कराने बहु मुश्किल दा सामना करना पौंदा हा। स्टील पुल बनने दे बाद हुण ट्रैफिक वास्ते काफ़ी आसानी पैदा थी गई है और इत्थां ट्रैफिक जाम भी नहीं रहंदी। ई पुल दे बनन दे बाद स्याहें दी आमदो रफ्त च काफ़ी सारा इजाफा थे, जें दी वजह कने इत्थों दे लोगें दा रोज़गार भी वधे। पूरे पाकिस्तान चो लोग इन स्टील पुल को देखण आंदन। इन स्टील पुल दे बनन दी वजह कने पंजाब ते बलोचिस्तान दा रस्ता घट के रह गए और पहले दी निस्बत बहु कम टाइम च बंदा बलोचिस्तान पुज वेंदे। इन प्रोजेक्ट दी वजह कने जनूबी पंजाब दे सेहत अफजा मकाम फोर्ट मंडरू दी दे विच सियाहत भी काफ़ी ज़्यादा वध गई है। फोर्ट मंडरू जनूबी पंजाब दा एक खूबसूरत ते सेहत अफजा मकाम है। इंदी बुलंदी सतह समंदर कने 6,470 फुट है। इत्थां गर्मियों विच भी मौसम काफ़ी सर्द रहंदे। इत्थां गर्मियों च नॉर्मल टेंपरेचर 20 कने 30 सेंटीग्रेड दे दरमियान रहंदे और सर्दियों विच अक्सर बर्फबारी भी थींदी है।